केरल के पोल्ट्री फार्म से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां केरल के पोल्ट्री किसान के घर मुर्गियों ने हरी जर्दी वाला अंडा देना शुरू कर दिया है और किसान का पूरा परिवार कई महीनों से यह अंडा खा भी रहा है। अभी तक हम सबने पीली जर्दी का अंडा ही देखा है, अब सोशल मीडिया पर यह हरे जर्दी वाला अंडा तेजी से वायरल हो रहा है। केरल के मुल्लंपुनम में रहने वाले साहबुद्दीन की पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों ने हरे अंडे दिए हैं। उनका कहना है कि उनका परिवार और वे पिछले 9 महीने से यह अंडे खा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है। साहबुद्दीन ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही उसने इन हरे जर्दी वाले अंडे की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया है। इस मामले में केरल के एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट का कहना है कि यह मुर्गी के खान पान की वजह से हुआ है। अगर उसके खाने पीने की चीजों में हरे रंग के खाद्य पदार्थ ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है। एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री फार्म के साइंस विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस शंकर लिंगम का कहना है कि इस अंडे से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि मुर्गियों को किस तरह का खाना दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साहबुद्दीन से वह खाना मंगवाया जो मुर्गियों को दिया जाता है। मुर्गियों के खाने की जांच के बाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साहबुद्दीन को खाने की चीज लौटा दी, कहा कि उसे मुर्गियों को दे। 2 हफ्ते बाद जर्दी का रंग पीला होने लगा। इस विषय में डॉक्टर एस शंकर लिंगम का कहना है कि मुर्गियों को केरल में आमतौर पर कुरुन थोटी नाम का मेडिसिनल पौधा खाने में दिया जाता है, इसी के कारण मुर्गियों के अंडे की जर्दी का रंग बदल जाता है।